एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज का ब्लॉग होने वाला है काफ़ी इंटरेस्टिंग, और काफ़ी दिनों के बाद मैं आज ब्लॉग अपलोड करने वाली हूँ। तो मॉर्निंग से ही मैंने अपना ब्लॉग स्टार्ट किया है। तो मॉर्निंग में हम लोग गए थे डेली यूज़ का सामान लेने, मीन्स आप सभी को पता होगा मिल्क, ग्रोसरी एंड एक्सेट्रा। तो यहाँ पे देखिए वेदर काफ़ी ढका हुआ है, लाइक बारिश जैसा वेदर हो रहा था, और आज से दो दिन पहले यहाँ बारिश ऑलरेडी हो चुकी है। तो अभी मौसम काफ़ी अच्छा है, लाइक गर्मी से थोड़ी सी राहत है। तो मॉर्निंग का टाइम था और हम लोग वॉक करने के बाद यहाँ पे आए थे। तो फाइनली अब हो गया है मेरे ब्रेकफास्ट का टाइम, और ब्रेकफास्ट में आज अगेन मैंने बनाया था ब्रेड प्लस ऑमलेट की जगह आज मैंने एग भुर्जी बनाई है। यहाँ साथ में मैंने लिया है मिल्क शेक और ड्राई फ्रूट मिल्क शेक। इसकी रेसिपी भी मैं आपके साथ नेक्स्ट ब्लॉग में पक्का शेयर करने वाली हूँ। और अब मैं बना रही हूँ एक रेसिपी जो मैं आज आपको बताऊँगी, लाइक मैंने ये रेसिपी कभी आपके साथ पहले शेयर नहीं की है। तो इट इज़ अ भरमा भिंडी, जो कि मैं भर के नहीं बनाने वाली हूँ, जस्ट मसाले के साथ बनाने वाली हूँ। तो यहाँ मैंने मस्टर्ड ऑयल में डाले हैं थोड़े अजवाइन सीड्स, और आपको पता है भिंडी के लिए अजवाइन सीड्स आर गुड, बिकॉज भिंडी थोड़ी सी ना वैसी होती है, बादी होती है। और यहाँ पे मैंने अनियन थोड़े से चॉप करके रखे थे, तो वो मैंने इसमें डाला है ऑयल में, और मैं इनको फ्राई करूँगी टिल इट गेट्स ब्राउन। तो ब्राउन होने के बाद हम अदर मसाले इसमें ऐड करेंगे। तो अदर मसाले में मैंने अनियन का जो पेस्ट था वो बना के रखा था, और उसी अनियन पेस्ट में मैंने जिंजर गार्लिक का पेस्ट भी मिक्स कर दिया था, और साथ में ग्रीन चिलीज भी पेस्ट, लाइक ग्रीन चिली का भी पेस्ट बना दिया था। तो गाइज इसके लिए मैंने भिंडी इस तरीके से काट के रखी है, यू कैन सी इट, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था कि मैं भिंडी को एक एक करके फिल करूं। तो यहाँ पे मैंने जो पेस्ट बना के रखा है अनियन का, उसमें मैंने मिक्स कर दिया था ऑल पाउडर्ड मसाले, धनिया, मिर्ची, नमक, हल्दी, और फिर मैं मिक्स करके डायरेक्ट इसको कढ़ाई में ऐड कर दूँगी। तो यहाँ पे देखिए अनियन ऑलरेडी ब्राउन हो चुके हैं, तो अब मैं ऐड कर रही हूँ अनियन और जिंजर गार्लिक का पेस्ट। तो यहाँ पर मैं इसको फ्राई करूँगी जब तक कि अपना ऑयल खुद छोड़ ना दे। तो यहाँ पे मैंने थोड़ी सी कश्मीरी मिर्च डाली थी बिकॉज ऑफ़ कलर, तो अदरवाइज़ कश्मीरी मिर्च नहीं डालते हैं तो भी बहुत अच्छा लगता है, लेकिन सिर्फ कलर की वजह से मैंने इसमें ऐड की थी। तो इसको मैं फ्राई कर रही हूँ, कंटिन्यू हमको चलाना है। एनीवेज गाइस, यहाँ पे देखिए मैंने डाला है थोड़ा सा आमचूर पाउडर। फिर इसको अच्छे तरीके से फ्राई कीजिए जब तक कि पूरा ऑयल ना निकल जाए, एंड साथ में मसाला अच्छे तरीके से भुन ना जाए, और फिर आप इसमें भिंडी ऐड कर दीजिए। तो एवरीवन प्लीज़ इग्नोर कढ़ाई, बिकॉज आई नो कि कढ़ाई की कंडीशन बहुत ख़राब है, लेकिन मुझे ये कढ़ाई ना काफ़ी कंफर्टेबल है, इसलिए मैं इसे बार बार यूज़ करती हूँ। मेरी मॉम हमेशा मुझे बोलती हैं कि प्लीज़ यार ये कढ़ाई अलग कर दे तू, बट वॉट टू डू, मुझे बहुत हैंडी लगती है, ईजी टू यूज़ लगती है, इसलिए मैं करती हूँ। ऐसे होता है ना कभी कभी कि हमारा बहुत पुराना चीज़ होती है और वो हमें बहुत ही कंफर्टेबल होती है, इसलिए हम बार बार यूज़ करते हैं। तो मैं इसीलिए इस कढ़ाई को बार बार यूज़ करती हूँ। तो गाइस आपको भिंडी जब तक पकानी है जब तक ये अच्छे से पक ना जाए, और ओपन में ही पकाना है, इसको लिड नहीं कवर करना है इसको। तो देखिए यहाँ पे भिंडी ऑलमोस्ट डन होने वाली थी, और मैं बस इसको बार बार इसलिए चला रही हूँ बिकॉज ये कढ़ाई में लग जाती है ना, तो बस इसलिए बार बार इसको चलाना पड़ता है। तो आपको अगर ये रेसिपी अच्छी लगी तो मुझे ट्राई कीजिएगा, और देन मुझे बताइएगा कि ये कैसी बनी। तो गाइज़ अभी हो गया था नाइट का टाइम, और ये हमने डिनर में बनाया था, और नाइट में आफ्टर डिनर वी वेंट टू द मार्केट, जो कि हमारे घर के जस्ट सामने है, मैंने आपको कई बार बताया हुआ है। तो यहाँ मार्केट से मुझे कुछ छोटा मोटा सामान लेना था। Thank you.
तो गाइज़ ये हो गया था नाइट का टाइम और आफ्टर मार्केट हम लोग आ गए थे पार्क कबीर को लेके, बिकॉज़ डेली नाइट में कबीर को एक घंटे प्ले करने के लिए हम लोग यहाँ पे हमेशा लेके आते हैं और उससे उसे नींद भी अच्छी आ जाती है। तो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब? और अभी मेरा इवनिंग का टाइम हो रहा था, अभी जस्ट मैं रेस्ट करके उठी हूँ, तो आई थॉट आज मैं चाय ले लेती हूँ। तो आज मैंने अपने लिए चाय बनाई है और मैं आपको दिखाना भूल गई थी एक चीज़ कि मैंने अपने हाथों में मेहंदी लगाई थी 2 दिन पहले, बट आगे यहाँ नहीं लगाई है, यहाँ लगाई थी। एंड दिस एंड टेल मी आप लोगों को कैसी लगी। एंड सेकेंड थिंग, आप लोग सोच रहे हो दोनों हाथों में, तो हाँ जी आई एम लेफ्टी, तो सॉरी लेफ्टी, तो मेरे लेफ्ट हैंड से मैं राइट में और राइट हैंड से लेफ्ट में मैं लगा लेती हूँ। इट इज़ अ गॉड गिफ्ट टू मी। तो गाइज आप लोग जरूर बताइएगा मेरी मेहंदी कैसी लगी। एंड सेकेंड थिंग गाइज, आज के डिनर में मैं काफ़ी इंटरेस्टिंग सी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। और एक चीज़ और आपको बता रही थी कि आजकल मेरे ब्लॉग्स काफ़ी लेट हो रहे हैं ड्यू टू सम हेल्थ इशूज, और आपको मेरी आवाज़ से भी पता चल रहा होगा। तो अब मैं कोशिश करूँगी कि जल्दी जल्दी से अपने ब्लॉग्स अपलोड करूँ। और प्लीज़ गाइज अगर पसंद कर रहे हैं तो सब्सक्राइब टू माई चैनल, इट इज़ कम्प्लीटली फ्री, जो मैं हमेशा बोलती हूँ, और लाइक भी कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो गाइज अभी चलते हैं डिनर की तरफ और आपके साथ मैं शेयर करती हूँ अपनी एक न्यू रेसिपी। तो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने वाली हूँ भरमा बैंगन की सब्जी डिनर में। तो देखिए यहाँ पे मैंने पटेटोस को चॉप करके रखा है कुछ इस तरीके से, लाइक लंबा लंबा काट के रखा है। और बैंगन में ना मैंने ये 2 स्लिट्स लगा के रखे हुए हैं क्योंकि हमें इसको फिल करना है। और यहाँ देखिए ये वाला एक अनियन था मेरे पास बिग साइज का, तो मैंने आधे को चॉप करके रखा है और आधे को ग्राइंड कर लिया था। साथ में है ग्रीन चिली, साथ में है अदरक लहसुन का पेस्ट। और अब मैं मसाला तैयार करूँगी और आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर करती हूँ। अगर आपको पसंद आए तो मुझे कमेंट्स में बताइएगा। तो गाइज़ भरमा बैंगन बना रही हूँ आज मैं कुकर में, तो बस कुकर में बना रही थी इसलिए आई थॉट कि आपके साथ रेसिपी शेयर करूँ, बिकॉज़ ये थोड़ी सी डिफरेंट रेसिपी है। तो यहाँ पे मैंने अगेन मस्टर्ड ऑयल लिया है थोड़ी सी ज़्यादा क्वांटिटी में, और साथ में मैं इनमें मसाले ऐड करूँगी, ये सारे खड़े मसाले, मीन्स इसमें सौंफ है, देन मेथी सीड्स है, देन राई है, जीरा है एंड कलौंजी है, देन वन मोर थिंग हींग है। तो ये पांचों चीज़ें, 5 या 6 चीज़ें हम मिक्स करेंगे साथ में और ये इसमें डाल देंगे। तो ये मसाले जो होते हैं ना, ये काफ़ी ज़्यादा जाते हैं भरमा चीज़ों के साथ में, और बंगालीज लोग मेनली ये मसाले यूज़ करते हैं हर एक वेजिटेबल्स में। और मैं जब भी भरमा रेसिपी बनाती हूँ तो ये 4-5 मसाले डालती हूँ। और यहाँ पे मैंने चॉप्ड ऑनियन डाल दिया है क्योंकि मैंने एक ही मेरे पास बड़ा सा अनियन था, तो मैंने उसको हाफ चॉप कर लिया था और हाफ मैंने उसको ग्राइंड कर लिया था। तो यहाँ पे देखिए अगेन हमें जैसे हमने भिंडी की रेसिपी बनाई थी उसी तरीके से अनियन को करना है ब्राउन और फ्राई करना है। और आज क्या हुआ था मेरे साथ कि अनियन फ्राई करते 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 मैं बीच में कुछ काम करना भूल गई, लाइक मैं अनियन फ्राई करते करते कुछ काम करने लगी एंड देन अनियन कुछ ज़्यादा ही ब्राउन हो गए थे। तो गाइज़ यहाँ पे मैंने चॉप्ड अनियन लिया है, साथ में जिंजर गार्लिक का पेस्ट लिया था और थोड़ी सी ग्रीन चिली ली थी। तो मैंने इसमें ऐड करे हैं सारे पिसे हुए गरम मसाले, लाइक टर्मरिक पाउडर, कोरिएंडर पाउडर एंड रेड चिली पाउडर। और साथ में मैं इसमें ऐड कर दूँगी थोड़ी सी कश्मीरी मिर्च भी, बिकॉज जो रेड चिली पाउडर है मेरे पास उसका कलर ना थोड़ा सा लाइक येलोइश है, आई डोंट नो क्यों है, बट येलोइश की वजह से ना सब्जी में जो कलर आता है ना वो थोड़ा सा टेम्पटिंग नहीं लगता है, इसलिए मैं इसमें कश्मीरी मिर्च डालती हूँ। तो यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया है सॉल्ट, और इसके बाद जब हमारे अनियन ब्राउन हो जाएगी देन ये मसाला हम कुकर में ऐड कर देंगे।
तो गाइज़ यहाँ पे आप देख सकते हो कि मसाला काफ़ी ठंडा हो चुका था और अब मैं इसमें बैंगन फिल कर रही थी, तो बैंगन को मैंने दोनों तरफ से लाइक कट कर दिया था, तो बस इसके बीच में मैं मसाला फिल कर रही थी। और मैंने साथ में पटैटोज लिए थे बिकॉज कबीर नहीं खाता है बैंगन, तो उसके लिए मैं साथ में इसके पटैटोज ऐड करती हूँ। अगर आप चाहो ना तो डायरेक्ट बैंगन में भी ये सब्ज़ी बना सकते हैं। और देखिए कैमरे का एंगल थोड़ा सा तिरछा हो गया था, तो यू कैन अंडरस्टैंड बिकॉज जब हम कोई रेसिपी बनाते हैं और साथ में शूट भी करते हैं तो बहुत टाइम लग जाता है। वैसे तो रेसिपी हाफ एन आवर की होती है, पर जब हम ब्लॉग बनाने लगते हैं ना साथ में तो ये मोर देन वन आवर लग जाता है। तो यहाँ मैं आपको बता रही थी कि यूट्यूब पर ना कंसिस्टेंटली ब्लॉग्स बनाना इतना भी आसान नहीं है बिकॉज बहुत टाइम लगता है। तो यहाँ पे देखिए मैं ना कुकर में डाल रही थी ऑयल और साथ में मैंने ऐड कर दिए बैंगन और साथ में पटैटोज भी ऐड कर दिए हैं। तो फर्स्ट जो बचा हुआ मसाला है वो भी मैं इसी में डाल दूँगी, तो बस ये जल्दी से बन जाते हैं। और आपको फ्राई करना है इनको टिल 5 to 10 minutes, विदाउट लाइक कुकर का लिड नहीं लगाएंगे हम, जस्ट ऐसे ही ढक के फ्राई करेंगे। एंड देन फाइनली जब ये अच्छे से हाफ़ कुक हो जाएंगे बैंगन, देन हमें कुकर का लिड लगा के 5 minutes पकाना है। तो यहाँ मैंने थोड़ा सा वाटर ऐड किया था, अदरवाइज़ ये नीचे लग जाता है। तो यहाँ पे देखिए मैं बस इसको ऐसे ही छोड़ दूँगी 5 minutes के लिए, इसको मैंने लिड लगा के कवर करके छोड़ा है। एंड देखिए 5 minutes के बाद ये थोड़े से गल चुके थे, और फिर मैं इसे चला के अगेन 5 minutes के लिए ऐसे ही छोड़ दूँगी। तो अब देखिए इस स्टेज पे आके ऑलमोस्ट हाफ डन हो गए थे, तो हाफ डन होने के बाद हम कुकर का फाइनल लिड लगा देंगे और 5 मिनट के लिए, जस्ट 5 मिनट के लिए इसको प्रेशर में रखेंगे। तो गाइज़ मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको आज की दोनों रेसिपीज़ कैसी लगी, और अगर आपको पसंद आती हैं तो इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और अगर आज का ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। और गाइज़ यहीं मैं अपने ब्लॉग को एंड करने वाली हूँ, तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। जब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।